हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीकेज गुरु ज्ञान। दोस्तों, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, और पैसे से बढ़ के भी अगर कोई चीज़ है ना तो वो है अपनी हेल्थ। लोगों को लगता है कि मैं जिम जाता हूं, एक्सरसाइज करता हूं वगैरह वगैरह, मेरे बाइसेप्स इतने बड़े हैं, डोले इतने बड़े हैं, इसमें कोरोना कहाँ से घुसेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, कोरोना कहीं से भी घुस सकता है, ठीक है ना। तो वैसी गलती नहीं करनी, जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, सब कुछ करना है, लेकिन सावधानी बरतनी है, ठीक है। दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे कोरोना नहीं होगा। मैं पीछे आउट ऑफ सिटी गया, वहाँ मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ और मेरी जो रिपोर्ट हुई वो पॉजिटिव आई। मुझे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। तो क्वारंटाइन में मैंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ किया, उसी को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। क्वारंटाइन के दौरान मैंने सारी सावधानियाँ बरती, जो डॉक्टरों से सलाह, जो डॉक्टरों ने एडवाइस किया मुझे, और उसके अलावा जो मैंने एक मेन चीज़ किया वो है उत्तराखंड का लोकल जूस, जो बरास का जूस जिसे बोलते हैं, वो मैंने पिया। बरास का जूस मैंने अपने लोकल किसी आदमी से कांटेक्ट करके, दोस्त से कांटेक्ट करके 2 लीटर जूस मंगवाया, जिसे बरास का जूस बोलते हैं, और वो मैंने अपने इस क्वारंटाइन पीरियड के दौरान पिया, जिससे मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई और मैं बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाया। इसके अलावा नेचुरल चीज़ें खानी होती हैं, तो वो सब तो सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आज आपको इस बरास के जूस के बारे में बताना चाहता हूँ। चलो चलिए जानते हैं हम ये बरास का जूस कैसा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है, और यही सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। लाल और गुलाबी रंग के इस खास फूल का नाम है बुरांसी। यह फूल समुद्र तल से 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बुरांस का जूस एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको त्वचा की बीमारियों से बचाता है। मेडिकल साइंस में यह साबित हो चुका है कि बुरांस के फूलों में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बुरांस बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही हाइपरटेंशन और डायरिया में भी आराम पहुंचाता है। बुरांस में विटामिन ए, B1, B2, C, E, V के मौजूद होने के कारण यह शरीर का वजन नहीं बढ़ने देता और कोलेस्ट्रॉल से भी बचाता है। यह आकस्मिक हार्ट अटैक के खतरे को बिल्कुल कम कर देता है। लीवर के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। बुरांस के फूलों से जैम, जूस और चटनी बनती है। गर्मियों में बुरांस के फूलों का जूस स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। बुरांस में विटामिन सी होता है। विटामिन सी सर्दी जुकाम के अलावा त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा विटामिन सी तनाव को कम करने, घावों को भरने में मदद करता है। इसके पेड़ की ऊंचाई 8 से 10 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियाँ सख्त, चौड़ी और नुकीली होती हैं। यह उत्तराखंड का राज्य स्तरीय फूल है। दोस्तों, मैंने क्वारंटाइन के दौरान जूस तो पिया ही पिया, उसके बाद घर आने के बाद भी मैंने ये 5 लीटर जूस अपने लोकल यहाँ DD Hard से मंगवाया, और हम इसी को बस अपने पूरी दिनचर्या में पीने वाले हैं। अभी मैंने मंगाया, अभी खोला भी नहीं है, तो अभी इसको खोलूँगा और आपके सामने पी के दिखाऊँगा। इसको पीते कैसे हैं, इसमें कितना पानी मिलाना है, कितना क्या करना है, ठीक है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। पू, थोड़ा गिलास लाना, आ जाओ पू, आ जाओ कैमरे में, आ जाओ, जान भी मिलाती हूँ, लाओ लाओ। हम तीनों हाय कर दो बेटा, हेलो। हम तीनों अभी बरास का जूस पीने वाले हैं। अब देखते हैं कैसे क्या है इसका ढक्कन। जूस जूस, हाँ, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पकड़ना है ऊपर ऊपर करो। तो गिलास में जूस की इतनी मात्रा डालनी है, एक चौथाई भाग जूस का आपने गिलास में डालना है, और फिर पानी मिक्स करना है इसमें। जानवी जूस रख दो,
और फिर हम इसमें मिलाएंगे पानी। ये देखिए ये अपना जूस हो रहा है तैयार। जूस बेटा जूस दे रहे हैं, दे रहे हैं ये हो गया 3 गिलास तैयार। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम पियेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं बंद और अब हम पीते हैं जूस और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हेलो अर जानवी बेटा जूस पियो। और कोई नहीं, दिक्कत नहीं, कोई नहीं, पी लो पी। हाँ आराम से पापा को बोलो थैंक यू। आराम से पियो आराम से। इट टेस्ट डिलीशियस, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, मज़ा आ गया। ऑसम, यम्मी यम्मी बोल दो। यम्मी यम्मी। तो दोस्तों अगर आपको भी मौका मिलता है उत्तराखंड आकर बरास का जूस पीने का तो ज़रूर पीजिए और इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बहुत ही बेनिफिट है सेहत के लिए और नेचुरल चीज़ है, देसी चीज़ है और लोकल है, तो भैया नेचुरल चीज़ तो नेचुरल ही होती है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।